क्या किसान और क्या भगवान, क्या किसान और क्या भगवान, अपनी जगह दोनों है महान। क्या किसान और क्या भगवान, अपनी जगह दोनों है महान। इन दोनों पर टिका जहान, अपनी जगह दोनों है महान। खेतपति और जगतपति का बड़ा अनोखा नाता, खेतपति और जगतपति का बड़ा अनोखा नाता। एक है अन्नदाता धरती का और एक है निर्माता। एक है भक्ति एक है शक्ति, एक है भक्ति एक है शक्ति, दोनों ही बलवान रे भाई। क्या किसान, क्या किसान और क्या भगवान, अपनी जगह दोनों है महान। इन दोनों पर टिका जहान, अपनी जगह दोनों है महान। एक है नर तो एक नारायण, दोनों करते भलाई। एक वामन है एक विराट है, दोनों ही भाई भाई। जहां पे दोनों मिल जाते हैं, दोनों मिल जाते हैं, वहीं पे है कल्याण भाई। क्या किसान, क्या किसान और क्या भगवान, अपनी जगह दोनों है महान। इन दोनों पर टिका जहान, अपनी जगह दोनों है महान। अपनी जगह दोनों है महान। धर्म की बात है, भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम। ओए पहुंच गया पंडित। हाँ। कभी तो पीछा छोड़ दिया कर। मैं तो पीछा छोड़ दूं, पर वो ठाकुर पीछा छोड़े तब ना। चाची ने देख लिया तो लोटे से भी जाएगा, जल्दी कर। धर्म की बात है, भज गोविंदम भज गो, इतना तो ठाकुर ही गटक जाएंगे। मेरा भाग ले, अपना भाग भी ले ले। धर्म की बात है, भज गोविंदम भज गोविंदम। ओए तेरा ठाकुर दूध पीकर तगड़ा वगड़ा हुआ या नहीं? मुस्तंड हो रहा है। धर्म की बात है, भज गोविंदम। ओए पंडित, ठाकुर कुछ काम वाम भी करता है या नहीं? सभी काम ठाकुर ही करते हैं, तभी तो बेफिक्रा होकर चक्कर काटता रहता हूँ। धर्म की बात है, भज गोविंदम भज गोविंदम। धन्ने के चाचा, कालू और लाली के ब्याह की बात धन्ने को बताई है नहीं? फिर पकड़ जंतर। बता दूंगा। चलो धन्ने, खेत पर चलें। चलो। लो, आज से दूध भी सूखने लगा। ये है बहू के पांव का प्रताप, कलेक्शन। ए पंडित, चके गिनवाता है पूरे और देता है चरणामत। बोलत लोटा बोलत। क्यों बोल का ढोल ढमढमाता है, खरी मजूरी चोखा काम। ले दे। अब की खेती अच्छी है धन्ना, अनाज की कमी नहीं होगी। चाचा, इस बंजर को भी क्यों ना जोत बो दे, अनाज दुगना हो जाएगा। मरना है क्या? क्यों चाचा, पकड़ जंतर है।
पीढ़ियों से बड़े बूढ़े इस बंजर को खेत बनाने के लिए अपने लहू पसीने से सींच दिया है। ना जाने कितने हल पावड़े तोड़कर और कई बार कुआं सुखाकर प्रलोक को भी सिधार गए, पर ये खेत नहीं बन सका धन्ना। ये तो सोचा ही नहीं। सोचना भी नहीं, बखर जंतर हो जाएगा, इसमें कभी किसी से खेती हो ही नहीं सकती। चल आने में तुझे आनंद आता है ना? करूंगी क्या लाली, जब तेरे यहाँ आने का मौसी का बहाना करता हूँ तो पिताजी फड़क उठते हैं, कहने लगते हैं क्यों जाना है, किसके लिए जाना है, क्या कारण है, तेरे मौसी ने तेरे कान आंगन में गाड़ कर रखी है क्या? खैर ये तो चलता ही रहेगा। ये देखो तेरे लिए क्या लाया हूँ, चोटी गंज काजल बिंदी। बस बस बस, चाची ने देख लिया तो खोपड़ी चूर चूर कर देगी। तेरे लिए खोपड़ी फुड़वाना भी मंजूर है। चल। अरे जाना मत बन, अब ये सब अपने पास रख। तो फिर ऐसा करता हूँ, ये चोटी मैं बांध लेता हूँ, ये बिंदिया और काजल मैं लगा लेता हूँ, कैसा रहेगा? घाटी में नहीं रहेगा। रासलीला में जब गोपियों का पाठ लड़के करते हैं तो न जाने उन पर कितनी लड़कियाँ मर जाती है। चंद कहीं की ललित। अरे अरे छोड़ो, कोई देख लेगा। अरे क्या कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, चाची चोरी। लाली इतनी बड़ी बछड़ी हो गई पर नरक पुत्री नहीं गई, घोड़े पे चढ़ के क्या कर रही थी? चाची चाची चाची, हाँ कबूतर उड़ा रही थी, कबूतर। चाची चाची कबूतर उड़ा रही थी, कबूतर। अरे मुझे बनाती है, मैं भी अपने दिनों में तेरे चाचा के साथ ये खेल बहुत खेल चुकी हूँ। यूँ क्यों नहीं कहती कि वो कबूतर सामू था जिससे चोंच लड़ा रही थी? मैंने तुमसे हजार बार कह दिया कि तेरे साथ कालू के ब्याह का वचन दे दिया है और तू सामू से मिलकर मेरी छाती से मुंह कर रही है। मार मार के चुप कर बना है, जा मार मार के मैं तेरा खुदा बना दूंगी कमीनी। चाची जवान लड़की पर हाथ उठाना ठीक नहीं चाची। अरे चाची को उपदेश देने के पहले लाली को क्यों नहीं समझाती बहू कि सामू के साथ झींगा मस्ती करना छोड़ दे? अरे बचपन की बात और थी, अब देख ना कन्ना छू रही है के हाथ पीले करने वाली हूँ कालू के साथ। चाची अब लाली नन्ही मुन्नी नहीं, फिर मन का मेल भी तो। लो सुन लो सियाने की बात है, अरे ब्याह के पहले तेरा और धन्ना का मन मेल हुआ था तो आज इस घराने में नया चलन चलाने आई है कुलक्षणी। तू कर कर क्या झूम रही है, क्या ले जा ये रोटियां दे आ खेत पर। और हाँ कालू से कहना ढेर भर पेड़े लेता है ताजा खोआ के तन्ना मारे। हाँ ए कालू मल मिठाई वाले, ढेर भर पेड़े ताजा खोआ के गर्मा गर्म, हाँ डंडी मत मारना, चाची ने कहा है घर पर दे आना। चाची तेरे की सब गुड़ गोबर कर दिया। लाली ओ लाली 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 ओ मेरी लाली, अरे सुन तो सही ओ मेरी लाली। लाली क्या है? तुझे पान की लाली कहूँ, मेहंदी की लाली कहूँ या गुलाबी, अरे कालू के जीवन में ये लाली कब रचेगी ये तो बता दे। बता दूँ, रचा दूँ लाली, इसके लिए तो तरस रहा हूँ। अरे अपने होने वाले पति को मारती है, पति को मारना पत्नी के लिए अच्छा नहीं है। परीक्षा लिए बिना पति बनाना भी लड़की के लिए अच्छा नहीं। तो कर ली परीक्षा, ले मुंह मीठा कर ले। मेरा मुंह कड़वा नहीं है।
अरे तेरी ऐसी कड़वाहट पर तो कालू मरता है मतवाले। जल्दी मर, मैं लकड़ियां ले आती हूँ तुझे फूकने के लिए। अरे बेदर्दी, तेरी आंखों में क्या कम आग है, ले मुंह खोल और कर ले बोहनी। आके करती हूँ बोहनी, ठहर जा। पक्का? पक्का। भैया क्या? भैया कालू मेरे पीछे पड़ा है, ऐसी ऐसी बातें करता है जैसे। जैसे क्या? जैसे मैं उसकी होने वाली। अच्छा, कहाँ है? वहाँ खड़ा मेरा रास्ता देख रहा है। हाँ, मैं उसे रास्ता दिखाता हूँ। मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू। ओए कालू, तूने लाली को छेड़ा? मैंने अपने होने वाली बहू को छेड़ा। बहू के बच्चे? मर गया रे। हाय राम, क्या हुआ रे? अरे बुआ, तू तो कह के रह गई लाली को हाथ में ले ले, पटाले। अरे पटाने में पिटाई हो गई मेरी। किसने मारा रे? अरे धन्ना ने। धन्ना ने? आज ही आर पार किए देते, आने दे धन्ना को। मर गया। धन्ना, तूने कालू को मारा? एक ही झापट दिया चाची। एक चाय आधा, हाथी क्यों उठाया? लाली को छेड़ा। छेड़े चाहे पाँव पड़े, वो लाली का होने वाला दूल्हा है, उसे मारने वाला तू कौन? लाली का भाई। तो मैं भी लाली की चाची हूँ धन्ना। सुन ले, मैंने लाली का ब्याह कालू के साथ पक्का कर दिया है। लाली का ब्याह सबकी सलाह से होगा। बराबर, इसमें मकर जंतर नहीं चलेगा। तुम चुप रहो जी, हुक्का गुड़गुड़ाओ, मुझे किसी की सलाह वाला नहीं चाहिए। वचन दे दिया सो दे दिया। चाची, तुम मेरी और लाली की माँ ही है, लाली के सुख के लिए ये वचन तोड़ दे। क्या कहा, वचन तोड़ दूं? हाय राम, न जाने पिछले जन्म में कौन सा पाप किया था जो मेरी कोख में आग लग गई। इस जन्म में वचन तोड़ दूं तो अगले जन्म में क्या भोगना पड़े, कौन जाने राम। कालू और लाली का ब्याह बस एक साध है मेरी। ये साध नहीं, श्राद्ध है चाची, लाली के सुख का श्राद्ध। मुंह बंद कर धन्ना। धन्ने की चाची। तुम चुप रहो जी, हुक्का गुड़गुड़ाओ। बोल धन्ना, लाली का हाथ कालू के हाथ में देने को तैयार है या नहीं? मेरे लिए लाली का सुख ही सब कुछ है। तो हो जा तैयार दुख भोगने को, आज का आज ही बंटवारा कर दूंगी। बंटवारा, 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 आज का आज ही बंटवारा। फिर देखती हूँ किसके बल पे बंदरिया नाचती है, कौन तेरे पीछे क्या लुटाता है, कैसे लाली का ब्याह होता है। उठो जी, तुम पंचों को बुला कर लाओ, मैं पंडित को बुला कर लाती हूँ। हाँ, खरी मजूरी चोखा काम, बस पूनम के पूनम, सवा सात सेर आटा, सवा पांच सेर चावल, सवा तीन सेर घी और सवा टका नगद, बाकी दूध दही गुड़ तरकारी अपनी इच्छा से, धर्म की बात है। भले गोविंदम, भले गोविंदम। पंडित जी, पर बहू की गोद तो? हाँ हाँ, चार छह महीने नहीं, बहू के पांव भारी देखेगी, धर्म की बात है। भजे गोविंदम, भजे गोविंदम। आओ आओ धन्ने की चाची, आओ, धर्म की बात है। भजे गोविंदम, भजे गोविंदम। आज ठाकुर कुछ अधिक प्रसन्न देखते हैं जो तेरे हाथ से। आज मैं धन्ने से बंटवारा करने जा रही हूँ। बंटवारा? हाँ बंटवारा, इसलिए कि लाली का ब्याह कालू से करने के लिए धन्ना लाचार हो जाए। पंचों को बुलवाया है, पर मेरी ओर से तो तुम ही सब कुछ हो।
ऐसा पैतरा दो कि धन्ने को बंजर छोड़कर बित्ता भर भी न मिले। अरे धन्ने की चाची, त्रिलोचन पंडित के पैतरे बड़े बड़े पंचों को चित करके छोड़े, पर तू तो कुछ खरी मजूरी चोखा काम। पर धन्ने को बंजर ही मिले। हाँ पंच अच्छी तरह से समझ गए हैं किस किस रोड़े में कौन कौन सा भाग है। अब पंच जिसे कहें उसे पहले बुलाया जाए। पहले बड़े का अधिकार है, इसलिए घसीटा राम जी को बुलाया जाए। ठीक, आओ घसीटा राम जी, उठाओ रोड़े। आया जी। तुम चुप बैठो जी, हुक्का गुड़गुड़ाओ। अभी अभी तो कह रहे थे सिर चकरा रहा है, दीवार से टकराते टकराते बचे और चल पड़े रोड़ा उठाने। लो इसे कस के बांध लो, रोड़ा मैं उठा लेती हूँ। घसीटा जी को कोई आपत्ति न हो तो उनकी धर्मपत्नी रोड़े उठा सकती है, पंच कहे तो। हाँ, बेरोक टोक उठा सकती है। ठहरो ठहरो ठहरो, आ भाई धन्ने, तू भी देख ले अच्छी तरह। आ उठाओ। लो जी, बंटवारा हो गया। अब सुनो किसके भाग में क्या मिला। उपजाऊ खेत के साथ रंका और बंका बैलों की जोड़ी घसीटा राम के भाग में, धन्ना के भाग में बंजर और हीरा मोती बैलों की जोड़ी, एक घर दो गाय घसीटा राम, एक घर एक पोटरी धन्ना, बाकी सब कुछ आधा आधा। ले भाई धन्ना, अंगूठा दे। त्रिलोचन पंडित, पीछे की बात आगे से ही पत्र पर कैसे लिख रखी थी, काल ज्ञानी दिखे। अरे त्रिलोचन पंडित की ज्योतिष विद्या तीसरी आंख है, होने वाली बात को पहले ही देख लेती है। धन्ना के भाग में बंजर ही लिखा था, धर्म की बात है। भज गोविंदम। पंचों के सामने मैं अपनी ओर से धन्ना को एक गाय देता हूँ। हाँ हाँ, दे दो दे दो, और भी जो कुछ लुटाना हो लुटा दो, और आप जाकर गंगा घाट में दान दक्षिणा मांगो, भीख मांगो भीख, और भीख मांग कर पेट भरो। बड़े आए राजा हरिचंदर। धर्म की बात है। भज गोविंदम। ए जी सुनो तो, बंजर उधर नहीं इधर है। ओए ओए ओए, ये तो भूल ही गया, सोचा ही नहीं। आओ ला। इस बंजर में क्या होगा, कैसे होगा? बावली जोतेंगे बोएंगे तो सब होगा। लोग कहते हैं ये बंजर कभी खेत नहीं बन सकता। पीढ़ियों से बड़े बूढ़े इस बंजर को खेत बनाने के लिए अपने लहू पसीने से सींचते आए, न जाने कितने हल फावड़े तोड़कर और कई बार कुआं सुखाकर परलोक को भी सिधार गए, पर ये खेत नहीं बन सका। धन्ने, मैं चाचा से कहता हूँ उपजाऊ खेत में से आधा हमें दे दे। कैसे कह सकते हो, जब बंटवारा हो गया दुनिया के सामने अंगूठा दे दिया। ओए ओए ओए, ये तो सोचा ही नहीं। ए दुनिया तुझको ठेंगा, दुनिया तुझको ठेंगा, इस संसार की चिंता कौन करे, जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा, बेकार की चिंता कौन करे कौन करे। ऐ दुनिया तुझको ठेंगा, मेहनत
लगन ही सच्ची है, बाकी सब माथा पच्ची है। मेहनत की लगन ही सच्ची है, बाकी सब माथा पच्ची है। जब तक ताकत है हाथों में, जब तक ताकत है हाथों में, मंझधार की चिंता कौन करे कौन करे। ऐ दुनिया तुझको ठेंगा, जान पे खेल न जानते हैं। हम वीर उन्हीं को मानते हैं, जो जान पे खेल न जानते हैं। मैदान में जब हम आ ही गए, मैदान में जब हम आ ही गए, तलवार की चिंता कौन करे कौन करे। दुनिया तुझको ठेंगा, हम आज बड़े ही रंग में हैं, हीरा मोती भी संग में है। हम आज बड़े ही रंग में हैं, हीरा मोती भी संग में है। अरे पाकर ऐसे साथी, पाकर ऐसे साथी, औरों के प्यार की चिंता कौन करे कौन करे। ऐ दुनिया तुझको ठेंगा। हावड़ा टूट गया? हाँ। हावड़े से काम नहीं चलेगा भैया, तुम और भाभी रोटी खाओ, मैं हल चलाती हूँ। जी लो। तू क्या हल चलाएगी, बच्ची है। बच्ची हूँ पर किसान की। लो। तू मन कच्चा मत कर कालू, तेरी बुआ का निशाना पक्का होता है। ये बंटवारा धन्ने को दाने दाने के लिए तरसाएगा, और वो नाक रगड़ कर लाली का हाथ तेरे हाथ में दे के रहेगा। तब तक मैं भी चुप नहीं बैठूंगा। बैल। देखो की बच्ची टूट गया ना हल। भैया मैं क्या करूं, ये पत्थर रहने दो, कल पहले पूर्वज चलाएंगे फिर हल चलेगा। हाँ, आज हीरा मोती को खिलाफ लाकर तैयार कर ले। चल।
क्या हो तुझे? पता नहीं रे, चल पता नहीं रे, माते क्या हो तुझे? तुझे घास क्या? माते 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 भैया क्या हुआ मोती भाई? मोती चल बसा लामी, मोती चल बसा। तू मर गया मोती? अरे मोती मर गया तो तुम्हें किस बात का दुख है? बंटवारे के बाद कोई मरे या जिए हमें इससे क्या? तुम चुप बैठो जी और हुक्का गुनगुनाओ ऐसे। हीरा मोती दोनों मेरे दो हाथ थे, आज एक हाथ टूट गया। ये सब दुख मेरे ही कारण तेरे परिवार को भुगतना पड़ रहा है, इससे तो अच्छा अपने कलेजे पर पत्थर रख ले और मुझे भूल कर कालू से शादी। श्यामू, श्यामू कल शहर जा रहा है ना, बहुत संख्या की पूरी नहीं लाए ला देना मेरे लिए। ऐसा कभी ना सोचना। बताओ तो उस कन्या का नाम क्या है जिसे तुम चाहते हो? प्रेमलता। और तुम्हारा? प्रेमचंद। हाँ सोने में सुहागा, जैसे डाली से लता लिपटती है वैसे ही वो कन्या तुम्हारे गले से लिपट कर रहेगी, पर मोहिनी मंत्र का जाप करना पड़ेगा। जाप के लिए कुछ खरी मजूरी चोखा काम। पर पंडित जी शुभ काम में शंका नहीं बेटे, विश्वासम फलदायकम, 4-6 महीने के अंदर ही दूल्हे के माथे पर मोहर बंधेगा। धर्म की बात है। भज गोविंदम भज गोविंदम। अरे तुम का काम था धन्य का। अच्छा अच्छा पंडित, ओए पंडित, पंडित ओए पंडित। हाँ हाँ क्या कर रहा है? स्नान करा रहा हूँ ठाकुर को। वो क्यों मारना चाहता है ठंडी में ठाकुर को? सर्दी बैठ गई तो रोता फिरेगा। वो हंसता क्यों है? बहुत तो आ रोग लगा रहा हूँ ठाकुर को, तेल आता हूँ। अरे दूध लाया हूँ ठाकुर के लिए, ले ला ले। छी 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 कमार का कमार, जूतियाँ पहन के ठाकुर के घर में। ओ ये तो भूल गया, ले उतार। अब बता ठाकुर को। फिर वही जात वाली बात, बता दिया ना ठाकुर भोजन कर रहे हैं। छिपे छिपे? हाँ भाई धन्य, सबके सामने नहीं खाते। लाज लगती है? नजर लगती है नजर। ओए पंडित तब तो तेरा ठाकुर छुई लगता है। चल दो बातें ही कर लेने दे, बोलता तो है ना। सबके साथ नहीं और भोजन के बाद तो किसी से नहीं बोलते, झट लंबी तान के सो जाते। मैं ठाकुर को शयन करा दूं। ओए पंडित तू भी लंबी चौड़ी हंसता ही रहेगा या दिखाएगा भी अपने ठाकुर को? अभी नहीं, सांझ को आ जाइयो। फिर ठाकुर ने लंबी तान ली तो? नहीं नहीं तू नहीं आएगा तब तक मैं ठाकुर को सहन नहीं कराऊंगा। जा धर्म की बात है। Thank you.
क्या हुआ? वो जा गई। चाची सच ही कहती है, मेरे पांव को लच्छी नहीं है। देखूं? ओए, तेरे पांव ना टेढ़े ना भद्दे ना चपटे, सीधे सीधे गोरे चट्टे सुंदर है भगवान। दूसरे पांव भी है। तुम्हारा नाम तो भोली राम जी रखना था। क्यों? पांव की बनावट नहीं, लक्षण देखते हैं। ओए लक्षण वक्षण ना मैं जानता ना मानता। जो देखते हो वो तो मानते हो ना। मेरे आते ही बंटवारा हो गया, मोती मर गया, बंटवारे में मिली थी तो बंजर थर थी। भैया पूरा दिन बीत गया, कट्ठे भर सिंचाई भी नहीं हो पाई, सारा पानी गड्ढे में बैठा, ना जाने कौन पी जाता है। सभी काम ठाकुर ही करते हैं, तभी तो बेफिक्रा होकर चक्कर काटता रहता हूँ। तुम दोनों जाकर रोटी वोटी बनाओ, मैं पंडित का ठाकुर देखकर आता हूँ। डींग हांकता रहता है ना कि उसका सारा काम ठाकुर ही करता है। वो तो डींग हांकेगा ही, उसे कहाँ पसीना बहाना पड़ता है। पर आई अंटी में हाथ मांग मांग के पेट भरना, वो देखने में अपना क्या जाता है भगवान। ठाकुर अपने काम का होगा तो मांग लाऊंगा। ठाकुर और पंडित मेरा रास्ता देख रहे हो। चल ओए पंडित। गोविंदम 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 गोविंदम। धन्ना ये क्या, अरे जूतियां लेके ठाकुर के घर में। ओए पंडित, तेरा एक मुंह है या दो? तूने ही तो कहा था जूतियां पहन कर यहाँ नहीं आना। पर हाथ में लाने को किसने कहा था? धर्म की बात है। भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम। ये तो सोचा ही नहीं, भज गोविंदम भज गोविंदम भूल गया पंडित। हाँ दिखाता है ठाकुर कहाँ है। यही तो है। पत्थर पत्थर ठाकुर, यही तो जादू है ठाकुर का। काम करना हुआ तो बन गए द्वारका नाथ, नहीं तो पत्थर। है? क्या? ओए ठाकुर मेरे साथ चलेगा? अरे कुछ मुंह से तो बोल, मेरा काम करेगा। ओए पंडित द्वारका नाथ तो अंगूठा दिखाता है। अरे वो तो दिखाएंगे ही, नहीं तो जिसका मन चाहे वही ले जाए काम कराने को। बड़े टेढ़े हैं ठाकुर, यूं ही काम नहीं करते, पहले इनका काम करना पड़ता है। हाँ, नान कराना, भोग लगाना, सैन कराना, पटा पटा के रखना पड़ता है ठाकुर को। धर्म की बात है। भज गोविंदम भज गोविंदम। सब करूंगा पंडित, तू तो जानता है धरती बंजर, मैं अकेला, बैल एक, फिर भी एड़ी चोटी का पसीना एक करने में पीछे नहीं हटता। पर लाली का बोझा मेरे सर पर है, उसके हाथ जल्दी से पीले कर दो, इसलिए एक साथी चाहिए। तुम मुझे अपना ठाकुर दे दे। ओए अटक कहाँ गया पंडित, कोई खटका हो तो मोल तोल कर ले मेरी गाय से। गाय से? हाँ मेरी गाय ले ले और अपना ठाकुर दे दे। पर भाई धन्ना कैसे दे दूं, ये मेरी पूजा के ठाकुर हैं, तेरे साथ पटेगा नहीं। ओए पटा लूंगा, तू दे तो। अच्छा अच्छा कल ले जाइयो। अच्छा। पर हाँ हाँ गाय लेता आऊंगा। धर्म की बात है। भज गोविंदम भज गोविंदम। खरी मजूरी चोखा काम। उस सपाट बुद्धि जाट से गला छुड़ा त्रिलोचन। पंडित ओए पंडित पंडित। मर गया आधम का धन्ना। अरे बाप रे। पंडित ओए पंडित। चल धन्ना
दिन दहाड़े सोता है क्या? आया धन्ने आया। पंडित ये आ गए। लाए है तो बांध दे। अच्छा बांध दिया ले। अब ला ठाकुर। धर्म की बात है। भज गोविंदम। ठाकुर तकड़ा दिखता है पंडित। तेरा काम कराने के लिए रात बहुत खिलाया पिलाया है। अच्छा धन्ने ध्यान रखना ठाकुर का। इनका काम बराबर करना। ठाकुर ओ ठाकुर मेरा काम करेगा ना? ठाकुर मनमौजी होते हैं धन्ने। किसी कारण काम वाम नहीं किया तो मुझे कुछ न कहना। नहीं कहूंगा। धर्म की बात है। भज गोविंदम। क्षमा करना ठाकुर जी, धन्ना से पीछा छुड़ाने के लिए आपको छुपाना पड़ा। भला आपने प्रभु को कैसे उस उधर जाट के हाथ दे देता? ओए भगवान, ए लाली। लो आ गया ठाकुर। मटका भर के पानी ला, ठाकुर को स्नान कराना है। तांग झांग मत कर भगवान, पराए पुरुष को घूर घूर कर देखना ठीक नहीं। जाओ पानी लाओ। जान पड़ता है कि पंडित ने गाय हत्याने के लिए भैया पे कोई उल्टा टेढ़ा मंत्र पड़ा है। हाँ, भोले राम को कौन समझाए, कैसे कही। ओए ठाकुर, ये है अपना घर, अब यही रहना होगा। हाँ, रोटियां भी दोनों के लिए लाना। जा जल्दी ले आ। अरे जादूगर, स्नान करा दूं। पंडित तो मक्खी चूस है, लोटा भर पानी से ही निपटाता होगा। यहाँ तो पूरा मटका है, और फिर कल से तो पूरे बारी छपक छपक कर स्नान करना। देख भाई जादूगर, पंडित का काम तो तुझे अकेले करना पड़ता था, यहाँ हम दोनों मिलकर करेंगे। हाँ ले, रोटियां भी आ गई। लो भैया। ले आ। आ अब खा ले छक के, मैं तेरे बाद ही खाऊंगा। बाद में क्यों भैया, तुम क्यों भूखे रहोगे, खा लो ना। तुम नहीं खाओगे तो भाभी भी नहीं खाएगी, मैं भी नहीं खाऊंगी। तू चल यहाँ से, ठाकुर दूसरे के सामने नहीं खाता, नजर लग जाएगी। चल चल भाग। ओए ओए ओए, मैं तो भूल ही गया कि तू लजीला है। ले खा ले। मान जाओ ठाकुर, आ खा ले। हट मत कर, तू नहीं खाएगा तो मैं भी नहीं खाऊंगा, और मेरे साथ घर भर भूखा रहेगा। धन्ना ने दो दिन से रोटी नहीं खाई, पानी तक नहीं पिया। अरे वो जाट कौन सा भगत है जो उसके हट करने से ठाकुर खाएंगे। मुझे तो लगता है कि धन्ना अपने साथ साथ घर भर को भूखा मारेगा। किवाड़ तो खोलो भैया, चार दिन हो गए, रोटी तो खा लो। चार दिन तो क्या, जन्म भर नहीं खाऊंगा। ठाकुर नहीं खाएगा तो भाभी अब क्या करें? क्या बताऊं, कौन समझाए तुम्हारे भैया को कि बेकाम पत्थर पर सिर पटक रहे हैं। चल भाभी चाचा के पास, हो सकता उनकी बात भैया मान ले। चलो चाचा, भैया तो हट कर बैठे हैं कि ठाकुर नहीं खाएगा तो जन्म भर नहीं खाएंगे। समझाओ ना भैया को। जब से गैया को देखे पंडित के यहाँ से पत्थर ले आए हैं, तब से पानी तक मुंह से नहीं लगाया, जाने क्या क्या बड़बड़ाते रहते हैं, और उस पत्थर से खाने की रट लगाए बैठे हैं। पत्थर
पत्थर से रट नहीं लगाएगा तो करेगा क्या? उस बंजर में अपनी हड्डी चमड़ी जला जला कर हमारे पुरखे चल भी बसे और खेती नहीं हुई, उसका कुछ तो कारण होगा। मुझे तो लगता है धन्ना की खोपड़ी पर बंजरी के भूत प्रेत चढ़ बैठे हैं। नहीं, बंजर में कोई बखर जंतर नहीं है, कोई भूत प्रेत नहीं है, कुछ नहीं। उस पत्थर की पूजा तो पंडित भी किया करता था, उसने तो कभी कोई बड़बड़ नहीं की, न कभी अंजल छोड़ा, उल्टे खा खा के धमधुस्तर हो गया। बुलाला उस भूत उतारने वाले बेतालनाथ को, अभी पता चल जाएगा। ओए ठाकुर, पंडित को गाय देकर काम कराने के लिए तुझे मोल लिया, तू आएगा नहीं, खाएगा नहीं तो काम कैसे होगा? तुझे आना ही पड़ेगा, खाना ही पड़ेगा। भैया भैया! अरे धन्ने, ये क्या बखर जंतर लगा रखा है, किवाड़ तो खोल। अरे धन्ने, बाहर तो आ। चाँद चाँद, ब्रह्म चले पीपल डोले, प्रेत बोले छप्पड़, चुड़ैल चोर बसवारी डोले, जाग बेताल के खप्पड़। धन्ने धन्ने, बाहर आ बाहर आ। धन्ने बेतालनाथ, छाद छाद छाद, भूत जानने आया है। छाद, भूत को भस्म करूं, पिशाच को पीस के रख दूं, चुड़ैल की चोटी काटूं, डाकिनी पिशाचनी भूतनी, आयरा तेलिया मदान प्रकट हो, आयरा नाग के बच्चे। बाप रे, यहां किसी ने कोई गड़बड़ की तो मार डालूंगा। ये रहा पंडित। ए, ये क्यों पंडित, गाय देखकर मुंह में पानी आ गया? पत्थर देकर दूध पीने चला? अरे भाई, मैंने धन्ना से गाय छीनी थोड़ी, उसको पत्थर नहीं देता तो वो मेरा गला घोटता, दिया तो तुम लोग मेरा सिर फोड़ रहे हो। धर्म की बात है। धर्म की बात तो ये है पंडित कि तू धन्ना को उसकी गाय दे दे और अपना पत्थर ले ले। चलता हूँ। मैंने तो उसे पहले ही कहा था कि ठाकुर तेरे बस के नहीं, पर माने तब ना। मैं अभी गाय लाता हूँ, धर्म की बात है। अरे भाई धन्ने, भूल हो गई मेरी, अपनी गाय ले ले और मुझे मेरा ठाकुर दे दे, सारा गांव मेरे पीछे पड़ गया है। नहीं, मैं जाट हूँ, ठान लिया सो ठान लिया, मर जाऊंगा पर ठाकुर नहीं दूंगा। लो सुन लो जाट की बात, चलो चलो। वो वो ठाकुर, मैं तो भूल ही गया, पंडित तुझे अपने हाथ से खिलाता था, मैं भी खिलाता हूं। ले खाने 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 खाने। भूख लगाइए त्रिभुवननाथ। भूख? खाने खाने। आज तो शबरी के जूठे बेर और विदुर के साग का स्मरण आ रहा है। या स्वर्ग और अपनी कमला से उठकर नटखट नटवर को बचपन की टेव का स्मरण आ रहा है। बचपन की टेव? हाँ, गोकुल के मिट्टी खाने की टेव। कमलेश्वरी, धन्ना के भोलेपन, विश्वास और हठाग्रह ने मुझे विवश कर दिया है। जब तक उसकी साग रोटी नहीं खाऊंगा तब तक उसके साथ सारा घर भूखा रहेगा। कमलेश्वर को अपने घर की चिंता ही नहीं, आपको नहीं जाने दूंगी, आज यही भोजन करना होगा। खाली? नहीं खाता तो मत खा, मार मुझे भी भूखे। ओए ठाकुर, छोड़ दे भूख हड़ताल, मैं तो मर जाऊं पर तुझे भूखे पेट छोड़कर मरना नहीं चाहता। क्यों मेरे माथे कलंक मरना चाहता है? ठीले आ खा, आ खा ले, आ जा। ओए ठाकुर, हाथ बढ़ाकर ही क्यों रह गया? क्या रोटियां लेकर भाग जाने का विचार है? अरे ये सब तेरे लिए ही तो है, पेट भर खा ले, आ खा ले।
सीधी उंगली से घी नहीं निकलेगा। अब बांधता है कैसे हाथ छुड़ाकर भागता है, कस के आता है। अब देखता हूं कैसे रोटियां लेकर भागता है, कैसे नहीं आता। अरे धन्ना ने हाथ बांध दिए हैं और कमलेश्वरी को हंसी आ रही है। हंसी आ रही है जगदीश्वर का भोला भाला निर्दोष मुखड़ा देखकर। लगता है आज भी नटखट माखन चोर कन्हैया को यशोदा मैया ने बांध दिया हो। वो माँ की ममता का बंधन था जो छूट गया था। ये तो जाट के हट की रस्सी है, कस के बांधी है। कहीं पैर भी बांध दिए तो तुम्हारे पास आना कठिन हो जाएगा। मैं चलता हूँ बाबा। जगन नियंता को रोकने की सामर्थ्य किसमें है, पर ध्यान रहे वहाँ जाकर कहीं चिटक गए तो मैं भी पीछे पीछे। सेठ, ओ सेठ, धन्ना सेठ, ठाकुर, द्वारकानाथ, तू आ गया? क्षमा करना सेठ, आने में देर हो गई, बड़ी भूख लगी है, मेरा हाथ तो खोल दो। चंगा चंगा, खोलता हूँ, खाले खाले, पेट भर खाले, बैठ। ओ ठाकुर, अकेले अकेले गपकने लगा, मैं भी तो भूखा हूँ, ना मुझे दे। तुम्हें कैसे दे दूं भैया, ये तो झूठा है। ओए तो क्या हुआ, तूने भैया कहा, भैया का ही झूठा है ना। नहीं नहीं, ये लो अपना भाग। ओ ठाकुर, तू क्या कह रहे, लजीला भी हठीला भी और नटखट भी। चल अब तू भी चल। चल भैया। एक ठाकुर, ये है मेरी घरवाली तेरी भाभी, और ये है मेरी छोटी बहन लाली, ये चाची, वो चाचा, इसको तो पहचानता है ना अपने पुराने मालक मुष्टंड पंडित को। चला बंजर भी देख ले। ओ भगवान, तू और लाली खाना खा लेना, मैंने ठाकुर के साथ खा लिया। बहनी को क्या हो गया? चाचा, भैया को क्या हो गया? पकड़ दे अंतर। अरे न ठाकुर न वाट, न जाने किससे बातें कर रहा है। भूख के मारे खोपड़ी पिलपिली हो जाती है भाई, नहीं, नहीं। ये पागलपन की निशानी है। पागलपन? धन्ना पागल हो गया है। धन्ना पागल हो गया। धन्ना पागल हो गया। लाली, चल चल। एक ठाकुर, ये है अपना बंजर जिसे मैं खेत बनाना चाहता हूँ। चाहते हो तो बन सकता है। वो ठाकुर, तूने ऐसे कह दिया जैसे तेरे लिए खेल है। मैं तो हर काम खेल ही समझ कर करता हूँ भैया। मुझे बैसाखी में लाली का ब्याह कर देना है, उससे पहले जोतना, बोना, अनाज पकाना, खेत काटना कितना कठिन है, सोच तो। मैं तो सोच समझ कर ही हाथ लाता हूँ भैया। तुम बस ये तो बताओ करना क्या है। फावड़ा चलाना है, पुरवट में लगना है, तू दोनों में क्या करेगा? मैं तो पुरवट में लगूंगा। ओ ठाकुर, मैं तो बैल हूँ ही, तू क्यों बनना चाहता है? मेरा मन जो चाहूं वही बनूं। तो बन, तुड़वा कंधा, आ लग जा पुरवट में। किया करते थे जो विश्राम
आज डेरा पत्थरों में और ढेलों में निकल कर सात पर्दों से प्रभु मैदान में आए यही बस एक चिंता है भगत की आन रह जाए जगत में शान रह जाए। अरे जब धरती थी आग उगलती गर्म हवाएं जब थी चलती ये चमत्कार प्रभु ने दिखलाया एक किसान का भाग जगाया। अरे हो रहा जादू दाएं बाएं चकित खड़ी हैं दसों दिशाएं ये निकली कुएं से जलधारा वो धारा जो बनी फवारा बंजर हो गया पानी पानी क्या से क्या हो गई कहानी ये सचमुच होती दुख के समय में सचमुच होती दुख के समय में दाता की पहचान भाई क्या किसान और क्या भगवान अपनी जगह दोनों है महान इन दोनों पर टिका जहान अपनी जगह दोनों है महान। मान गया ओए ठाकुर मान गया मैं तो समझा था कि पंडित के घर में पड़ा पड़ा तू नर्म हो गया होगा पर तगड़ा निकला। हमारा एक ही बेटा है पंडित जी सभी उपाय कर चुके पर उसका रोग नहीं जाता। अब तो ठाकुर जी का ही भरोसा है महाराज। ठाकुर जी से हमारे बच्चे का जीवन आप ही दिलवा सकते हैं। क्यों नहीं पर ठाकुर तो इस ताक में बैठे नहीं रहते कि कोई भगत आएगा और जीवन मांगेगा। ठाकुर को तो जगाना पड़ता है मनाना पड़ता है और मनाने के लिए कुछ दान दक्षिणा धर्म की बात है। भजे गोविंदम भजे गोविंदम भजे गोविंदम। भाभी भैया अभी तक बंजर से नहीं लौटे अकेले क्या करते होंगे मैं जाकर उन्हें ले आती हूँ। नहीं लाली तेरे भैया के सिर पर तो सनक सवार है कब क्या कहेंगे क्या करेंगे कुछ ठिकाना नहीं मुझे तो चिंता लग रही है। ओए भगवान ओए भगवान। अरे भगवान पंडित बराबर बोलता था अपना ठाकुर जादूगर है ऐसा पुरवट चला के सारे बंजर में पानी की बाढ़ आ गई कल से हल चलाएंगे बीज बो देंगे खेती हो जाएगी फिर सारी चिंता दूर हो जाएगी। जो भैया ठाकुर ये मेरी गुड्डी बहन लाली बस खेती करते ही पहले इसके हाथ पीले करने हैं धूमधाम से। हाँ हो जाएंगे धूमधाम से तो चल हाथ पांव धोने खाना खाएं। ना बाबा ना मुझे ना हाथ पांव धोना है ना मुझे खाना है कुएं पर तुम्हारे सर खा लिया था ना। ओ ठाकुर एक जून खाकर इतना काम कर दिया दोनों जून खाएगा तो काम भी दुगना करेगा। काम पेट से नहीं करता हूँ हाथ से करता हूँ पेट खबर न खाऊ थोड़ा चूरन खा ले। ओए भगवान ठाकुर के लिए थोड़ा पाचक चूरन तो ले आइयो। चूरन के लिए जगह होती तो मैं दो चार रोटी और नहीं खा लेता। मैं लेटने जाता हूँ। ठीक है ठाकुर पेट तेरा है तू जान। एक ही पत्थर परोस भगवान ठाकुर नहीं खाएगा। ये ठाकुर ठाकुर कह के अकेले में किससे बातें करते रहते हो ना कोई दिखाई देता है ना कुछ समझ में आता भी और कहते हो कि बढ़िया काम। अरे बुद्धि ठाकुर सबको दिखाई नहीं देता लजीला है इसीलिए तो तुम लोगों के सामने रोटी भी नहीं खाता। हाँ कल से कुएं पर ही रहेगा वही रोटियां पहुंचाया करूंगा। अब
सुन लो एक रात का किस्सा, हर जो गुजरी उस बात का किस्सा। ये भोले भगत जी सोए हुए थे, सुख सपनों में खोए हुए थे। कितने में एक अनाज की बोरी चल दी बाहर चोरी चोरी, प्रभु के आगे पीछे बोरी, जैसे चांद के पीछे चकोरी। देखो जादू उसके प्यार का, देखो अपने आप हल चलने लगे हैं, मेहनत के फल मिलने लगे हैं। फड़ने लगा है खेत में बीजा, हरी कृपा का है ये नतीजा। धन्य है ईश्वर धन्य किसाना, दोनों का जादू अब पहचाना। एक दया का सागर है तो, एक दया का सागर है, एक लोहे की चट्टान भाई। क्या किसान क्या किसान और क्या भगवान, अपनी जगह दोनों है महान। इन दोनों पर टिका जहान, अपनी जगह दोनों है महान, अपनी जगह दोनों है महान। ओए 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 ओए, बंजर तो हलवा बन गया। ओए ठाकुर ठाकुर, अरे जादूगर पूरे बंजर में हल भी चला दिया। बीज भी बो दिए, पटरा भी फिरा रहा हूँ। बीज की बोरी तो घर में रखी थी, कब ले आया? ये भी पूछोगे कि हीरा को भी कब ले आया? मैं नौकर हूँ, नौकरी बराबर करता हूँ, कई काम एक साथ कर लेता हूँ। भैया बिना काम चैन कहाँ? और तेरा भी जोर नहीं था तो एक ही रात में सब कर डाला। पंडित ठीक कहता था, तू जादूगर है। भैया किसी के कहने में विश्वास ना करूं, मन चाहे सो करूं। हाँ मन चाहे तो नौकरी बराबर बजा के माला माल कर दूं, मन ना चाहे तो मुड़कर देखूं भी नहीं। खड़े कोई कहता रहे फटक चंद गिरधारी। तू भी गड़बड़िया है। ओए ठाकुर मुझे जगा लिया होता तो हाथ ना बटा देता, अकेले सब करने की जल्दी क्या थी? लाली का ब्याह जल्दी करना है ना भैया। ओए ओए ओए, ये तो भूल ही गया, सोचा ही नहीं। ओए ठाकुर कल से भूखा है ना, ले रूखी सूखी ही रोटी खा ले। भैया दिखावे की पूरी से प्रेम की रूखी सूखी रोटी मीठी लगती है। तू खा, मैं पानी लाता हूँ। खेत पति और जगत पति का बड़ा अनोखा नाता, एक है अन्नदाता धरती का और एक है निर्माता। एक है भक्ति एक है शक्ति, दोनों ही बलवान भाई। अरे देखा धन्ना चाचा का सारा बंजर खेत बन गया। धन्ना कहता है ठाकुर ने ही सब किया। कौन ठाकुर, कैसा ठाकुर, किसने देखा ठाकुर वाकुर को काम करते? ठाकुर वाकुर कोई हो तब ना, कहीं पत्थर भी काम करता है। पता नहीं क्या बखर जंतर है, पर बात सच्ची है, मैं अपनी आंखों से खेत देख कर आया हूँ। अरे हलवा बन गया हलवा। तुम चुप बैठो जी, हुक्का गुड़गुड़ाओ, सारा गांव अंधा है, एक तुम ही अस्सी कोस दूर देखते हो। कभी कभी धन्ना के प्यार में घसीटा राम जी 80 योजन तक अपनी आंखों को घसीट ले जाते, धर्म की बात है। भज गोविंदम भज गोविंदम। Thank you.
जो खटका था वही हुआ। धन्ना के यहाँ ठाकुर बनकर प्रभु चिटक ही गए। मोहिनी धुन से लगता है द्वारकानाथ को व्रज की सुर बहुत आ रही है। हाँ? देखो तो, ओ, इस ठाट में भी द्वारकानाथ जैसे आज महालक्ष्मी स्वर्ग छोड़कर खेत में। हाँ, अपने किसान पति को फिर से भगवान बनाने। बंजर खेत बन गया, बीज भी पड़ गए। अब जगदीश्वर अपनी कमला पर कृपा करें, चले अपने था। यहाँ धन्ना से इतने एक और समस्या खड़ी कर दी है। वो सुलझने पर ही चल सकूंगा। जहाँ अधिकारन मिलता वहाँ समस्याएं भी खड़ी कर ली जाती है। रुकने के सैकड़ों बहाने बना लिए जाते हैं। नहीं, बहाना नहीं, सत्य है कमले। धन्ना अपनी बहन लाली का ब्याह हो जाने के बाद ही जाने देगा। चलना चाहे तो सब कुछ कमलेश्वर की चुटकी की बात है, ये कौन नहीं जानता। समय से पहले कुछ भी करना अनुचित है। अधिक समय तक आपको यहाँ पड़े रहने नहीं दूंगी। ऐसा प्रबंध करती हूँ कि लाली का ब्याह शीघ्र हो। Thank you.
पंडित अपनी चाल का ही तो माल खाता है। कालू का ब्याह लाली से हो जाने पर कुछ और भी। हाँ, हाँ, पंडित कुछ नहीं, बहुत कुछ, बस माल ही माल। तो शामू की खटिया उठी समझो। शामू की मौसी को ऐसा मंत्र पढ़ाता हूँ कि सुनते ही शामू ब्याह का सपना छोड़कर लांग संभालता हुआ भागे। धर्म की बात है। भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम। क्यों बिरजू की बहू, आनंद मंगल? मेरा आनंद मंगल तो इसी में है महाराज कि मेरे सामू के हाथ से लाली की मांग भर जाए। धर्म की बात है, दोनों का जोग लगन सीधा होगा तो बाजा बजेगा ही बजेगा ही। पंचांग हो तो देख दीजिए ना महाराज। क्यों नहीं, धर्म की बात है। भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम। शुभ काम में खाली हाथ न पंचांग खोलते न खुलवाते बिरजू की बहू कुछ दक्षिणा वक्षिणा। दूंगी दूंगी पंडित जी। धर्म की बात है, धर्म की बात है। मीन मेष वृषक मिथुन मकर कुंभ कुंभ मीन अब मैं चलता हूँ। मुझे जाने दे, अब चलने में ही कुशल है। न मैं कुछ कह सकता न तू कुछ सुन सकती है। भयंकर अपशकुन की बात। अपशकुन? हाँ, लाली और शामू का जोग लगन एकदम उल्टा। चूहे और बिल्ली की दशा, 36 का अंक। धर्म की बात में एक ही बात खरी। जय जय राम कृष्ण हरि, जय जय राम कृष्ण हरि। धर्म की बात गौ माता लक्ष्मी बोलती है, ठगों की पोल खोलती है, झूठ और सच को बराबर तोलती है, ग्रहों की चाल उलटती है, पंडितों का पंचांग पलटती है, होने वाली बात को बेधड़क बताती है। बोल गौ माता लक्ष्मी, शामू और लाली का जोग लगन कैसा है? 36 का नहीं, 63 का। ठीक, जग में एक ही बात खरी। अरे चल खरी की बच्ची, काला अक्षर भैंस बराबर चली वेद बाग में छेद करने। चाचा गाय तेरा, चल बोले यहाँ से। बोल एक दिन सबको होना है, पर जो झूठ बात को धर्म की बात बताता है, भोले प्राणी को भरमाता है, धोखे धड़ी से पेट चलाता है, वो जीते जी अपने काल को बुलाता है, है ना लक्ष्मी? भाड़ में गई तू और तेरी लक्ष्मी। छाती पर पत्थर रख के सुन ले बिरजू की बहू, लाली की डोली के बदले शामू की खटोली उठवाना चाहे, किस ब्याह का नाम लेना, धर्म की बात है। लक्ष्मी, रुक जा। सच्चे का बोल वाला, झूठे का मुंह काला, जो मानेगा सुख लुटेगा, नहीं मानेगा सिर फूटेगा। बोल शामू की मौसी, चांदी के जूते खाकर चंग पर चढ़ाने वाले उस पंडित की बात मानती है या गौ माता लक्ष्मी की, जो राजा राम के नाम पर सच बोलती है, पवन सुत हनुमान की तरह संकट टालती है? मैं गौ माता लक्ष्मी की बात मानती हूँ। ब्याह की तैयारी कर, संजा को शामू आने वाला है, पूछ के ठीक कर लूंगी। पूछ या मत पूछ, गौ माता ने कह दिया सो कह दिया। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। चल लक्ष्मी चल।
ओ ठाकुर। अरे मैं ऐसी वैसी नहीं, राजा चाहे रंग, दानी चाहे भिकारी, ग्रह महंत जुआरी पुजारी भगत भ्रष्टाचारी सारे मेरे आगे नाक रगड़ते हैं, मैं सबको उंगलियों पर नचाती हूँ। हाँ, छनक छना छन छन, छनक छना छन छन। ओए ठाकुर, ये छना छन कौन है? ओए ठाकुर, सिर से पांव तक लटकी हूँ, ये देखकर भी बीच में टपकने वाला ये कौन है? धन्ना जाट, मेरा सेठ। धन्ना सेठ हो या निर्धन्ना सेठ हो, मेरे आगे सब बराबर है। छनक छना छन छन, छनक छना छन छन। ओए छना छन, ओए मुझसे मुंह मत लड़ा, बात उधर उधर। ओए ठाकुर, आइए नमूना किधर से, रहती कहाँ है? ओए ठाकुर, किसी को क्यों बताऊं? द्वारकापुरी से श्रीरंगम, श्रीरंगम से जगन्नाथपुरी, जगन्नाथपुरी से बजे धाम तक रहती हूँ। हाँ, छनक छना छन छन, छनक छना छन छन। भटक भंडारी है, घर घर भटकती है। हाँ हाँ, घर घर भटकती हूँ, गली गली भटकती हूँ, पर इसका क्या घटकती हूँ जो इसको खटकती हूँ। ओए पर तू मेरे ठाकुर के आगे क्यों भटकती है? ओए मुझसे मुंह मत लड़ा, बात उधर उधर। ओए ठाकुर, इस छना छन से कह दे कि मन में कुछ हो तो खुल के बोल दे, तू भी तो कुंवारा है ना? ओए ठाकुर, कह दो अपने सेठ को, पराई लड़की का मन टटोलने वाला ये कौन होता है? मैं तो चली अपनी गली। हाँ, छनक छना छन छन, छनक छना छन छन, चल लक्ष्मी चल। इस छना छन का नाम क्या ठाकुर? नाम पूछ के हथकड़ी लगवाएगा क्या? इसे कह दो ठाकुर, मैं नहीं बताती नाम, जो करना है कर ले कमली का। हाँ, बड़ा आया धन्ना से, छनक छना छन छन, छनक छना छन छन। कमली चंगी है ठाकुर, अब तो बताइए कौन है? समझ गया, जोड़ी चंगी रहेगी। भैया शामू, ये लोग कौन थे? पता नहीं भैया, मैं आप ही के गांव की तरफ आ रहा था कि अचानक रास्ते पे टूट पड़े। अच्छा, पता तो चली जाएगा। आ। बुआ, सब गुड़ गोबर हो गया, धन्ना ने आकर पटड़ा ही फेर दिया, अपना सारा माल भी गया और शामू का बाल भी बांका ना हुआ। ये बात है तो मैं भी अपनी बात की एक ही हूँ गालू, निराश मत। अब देख अपनी बुआ का प्रिया चरित्र क्या करता है।
खूब भाग है। लाओ मुझे तो। वाह। ए जी सुनते हो, एक बात कहूं। मुंह से बात कह, कोहनी क्यों मारती है? आए क्यों ना मारूं, अधेड़ भले ही हो गए, शिखिया थोड़े गए हैं, मन तो वही है। समझ गया बखर जंतर। तुम्हें तो बस सब बखर जंतर ही लगता है, कभी तो मेलजोल की बात किया करो। कर ले। करोगे ना? जैसा कहूंगी करूंगा, जैसा मन कहेगा। धन्ना तुम्हारी बात टालेगा नहीं, उसे तुम ही समझाओ ना कि लाली का हाथ कालू के हाथ में दे दे रहे। क्या बंटवारा किया तब तेरी खोपरी घास चरने गई थी, उसे बंजर दिया तब तेरे मुंह पर नाक नहीं थी। हाय राम, मैंने क्या किया जो तुम भी उलट के आग दिखा रहे हो, आग लगे पंचों के मुंह को जिन्होंने बंटवारा करवाया। और अरे तू ही पूरी बखर जंतर है, अब तेरा त्रिया चरित्र मेरे पास नहीं चलेगा, धन्ना को मैं नहीं समझाऊंगा, अब तो मैं हुक्का ही गुड़गुड़ाऊंगा। हाय हाय, तो मैं किसकी कुंडी खटखटाऊं, तुम्हें छोड़कर मेरा कौन है जिस पर मेरा अधिकार है? आज तक तुम्हारा हुक्का भरा, तुम्हारी सेवा की, उसके बदले में मेरी एक बात तो रख लो। तेरी सेवा ने आज तक मेरा मुंह बंद रखा, मैं बंद ही रखूंगा, खोलूंगा ही नहीं। तो मैं इसी घर में फांसी लगाकर मर जाऊंगी, आग लगाकर भस्म हो जाऊंगी, माता फोड़ के प्राण दे दूंगी। अच्छा होगा, बखर जंतर ही मिट जाएगा। हाय हाय, तो मैं तुम्हारे भी आग की किरकिरी हो गई। ठीक है, मैं जाती हूँ, किसी कुएं तालाब में डूब मरती हूँ। जग में एक ही बात खरी, जय जय राम कृष्ण हरि, जय जय राम कृष्ण हरि। ए गौ माता, तू ही बता, लाली का ब्याह कालू के साथ होगा ना? नहीं, तो फिर किससे होगा? हाँ, शामू से। झूठी, अरे जिसका ठोर न टिकान उसकी बात का क्या प्रमाण, बड़ी आई जोशी की नानी बनके। गौ माता से प्रमाण मांगती है? लक्ष्मी पाखंड का खंड खंड करती है, शैतान की कान काटती है। अरे शैतान होगी तू, पाखंडी होगी तू, जो एक एक रोटी के लिए खोटी खोटी बोलती फिरती है। खोटी खरी का भंडार लक्ष्मी फोड़ती है, खरे का भाग्य जोड़ती है, खोटे की कमर तोड़ती है। लक्ष्मी बचाओ, जय जगदम्बे। क्षमा मैया क्षमा क्षमा। गौ माता उसको क्षमा करती है जो इसकी बात मानता है, बोल मानती है? मानती हूँ, मैं मानती हूँ। लाली का ब्याह किससे होगा? कालू से। क्या? नहीं नहीं नहीं, सामू से, सामू से होगा, एक बार नहीं सौ बार कहती हूँ, सामू से होगा। अरे बन गई बन गई बन गई, हो बन गई बात सजना, पकड़ मेरा हाथ सजना, हो बन गई बात सजना, पकड़ मेरा हाथ सजना, चल कहीं ले चल मेरे यार, हो थोड़ा थोड़ा प्यार करे, ये थोड़ा थोड़ा प्यार करे। अरे सुन 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 सुनिए,
है शुरुआत सुनिए, फिर है बारात सुनिए। ये है शुरुआत सुनिए, फिर है बारात सुनिए। हो जा मेरी दुल्हन तैयार, हो थोड़ा थोड़ा प्यार करे के थोड़ा थोड़ा प्यार करे। बुलाती है हमको बहार, ओ थोड़ा थोड़ा प्यार करें कि थोड़ा थोड़ा प्यार करें। ये थोड़ा थोड़ा प्यार करें कि थोड़ा थोड़ा प्यार करें। ये थोड़ा थोड़ा प्यार करें। प्यार अपने मन से नहीं, जोग मुहूर्त से होता है। गौ माता कह के गई है ये ब्याह आज से सातवें दिन ही होना शुभ है। जग में एक ही बात खरी, जय जय राम कृष्ण हरि, जय जय राम कृष्ण हरि। अरे प्रभु कहाँ चले गए, अभी तो यहाँ थे। आज कमलेश्वर के आंखों में आंसू क्यों? कमलेश्वरी के काम पर। मेरे काम पर? हाँ, तुमने लाली के ब्याह का दिन क्यों धर दिया? सात दिन में खेत नहीं कटेगा, अनाज नहीं बिकेगा, तो ब्याह कैसे होगा? भगवान चाहे तो क्या नहीं होता। ठाकुर, ओए ठाकुर, ओए भटक भंडारी, पैसा ना कौड़ी पजरिया को दौड़ी। ओए मुझसे मुंह मत लड़ा, बात इधर इधर। ओए ठाकुर, लाली के ब्याह में गांठ इसकी ढीली होगी या मेरी? ओए ठाकुर, इससे पूछो लाली इसकी बहन है या मेरी? ओए ठाकुर, बहन मेरी है, फिर इससे क्या पड़ी थी जो गौ माता से ढोल पिटवा दिया कि साथ में ही दिन ब्याह करना चंगा है। ओए ठाकुर, इसका दिया तुम खाते हो, मैं नहीं। इससे कह दो मुझे आंख न दिखा। गौ माता ने कह दिया तो कह दिया, जो मानेगा सुख लुटेगा, नहीं मानेगा सिर फूटेगा। हाँ, छनक छना छन छन, छनक छना छन छन। ओए ठाकुर, तेरी ठना ठन तो इतना भी नहीं समझती कि सात दिन में ब्याह की तैयारी होगी कहाँ से? ओए ठाकुर, तुम्हारा धन्ना सेठ है या फटक चंद?
गांव में इसका कोई मोल नहीं है क्या? इसे उधार देने वाला कोई व्यापारी भी नहीं। ओए ओए ओए, ये तो सोचा ही नहीं, अब समझा। ओए ठाकर, ले रोटी खा ले, कमली को भी खिला दे, भूख ही ना रह जाए। और हाँ, तैयार रहना, लाली के साथ साथ तुम दोनों के ब्याह की भी ढोल तूतरी बजवा दूंगा। सुदामा के तंदूर से भी धन्ना की रुखी सुखी रोटी में अधिक आनंद आ रहा है ना? विदुर के साथ से भी अधिक। सेठ हरिदास जी, ये कच्चा सौदा कौन करे? हाँ राम जी, मल जी, कहीं खेतों में कीड़े लग गए या टिड़िया खा गई तो इतनी पूंजी कैसे लौटेगी? क्योंकि सलाल जी ठीक तो है भाई, धन्ने हम उधार नहीं दे सकते। सेठ राम जी मन, सेठ की सलाल और हरिदास तीनों ने मना कर दिया, अब क्या होगा, कैसे होगा? प्रभु, नौकर बनकर तो बहुत कुछ कर दिखाया, अब साहूकार बनकर दिखाइए। दिखाना ही पड़ेगा। आप? सेठ राम जी माल जी। महोदय जी। सेठ किशन लाल जी। महाशय जी। सेठ हरिदास जी। धूम धाम की बात ही क्यों सोचते हो? फूल पान से भी तो ब्याह होता है। ये गहने हैं, इन्हें बेचकर जो मिलेगा उसी में सब कर लेंगे। लो। नहीं भैया, भाभी के गहने मत बेचो। रानी, ऐसे ही समय के लिए गहने रखे जाते हैं, आज नहीं तो कब काम आएंगे? अभी तो कह रही थी कि फूलपान से भी ब्याह होता है। भैया, मैं सूरज भगवान को साक्षी रखकर आप ही शामू का हाथ पकड़ कर चली जाऊंगी। हाँ हाँ, उससे पहले गांव वालों को कह देना कि तेरा भाई धनाजात मर गया। जग में एक ही बात खरी, जय जय राम कृष्ण हरि। गौ माता लक्ष्मी रोते को हंसाती है, बिगड़ी बात को बनाती है, जिस द्वार पर चरण रखती है उस घर का कल्याण करती है। ओए कमली, फिर यहाँ? ओए मुझसे मुंह मत लड़ा, बात उधार उधार। अरे भाई धन्ना जाट, फिर सांची मल, क्षमा करना धन्ना, धंधे में कुछ टोटा पड़ गया था, खोपड़ी गड़बड़ आ गई थी। तुम्हें बारात के लिए जो चाहिए जितना चाहिए मैं देने को तैयार हूँ, बेखटके ले जाना। बड़ी कृपा। अरे भाई धन्ना जाट घर में है क्या? शेर किशनलाल जी, हरिदास जी। हाँ भाई धन्ने, हम तुम्हें निराश नहीं करना चाहते, ब्याह के लिए जो जो गहने चाहिए मैं तुम्हें देने के लिए तैयार। कपड़े भी जितने चाहिए ले आना। बड़ा उपकार, अनाज बिकते ही कौड़ी कौड़ी चुका दूंगा। कोई चिंता नहीं, कोई चिंता, कोई चिंता नहीं। जय जय राम कृष्ण हरि। गौ माता, तुमने हमारी लाज रख ली। ओए कमली, तेरी गैया चंगी है, पर ये तो बता इन तीनों व्यापारियों को किसने बनाया, कैसे आए? गौ माता लक्ष्मी कहती है, आने वाला आता है, जाने वाला जाता है, होने वाला होता है। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। धन्ने, मेरे धन्ने। अरे बहू लाली, अरे जब मत्ती फिर जाती है तो भूल हो ही जाती है। मैंने अपनी भूल मान ली, गौ माता ने भी मुझे क्षमा कर दिया, अब तुम सब भी मिलकर मुझे क्षमा कर दो। कर दो, कर दो क्षमा, मिट गया बखर जंतर। तुम हुक्का गुड़गुड़ाओ जी, लाली का ब्याह सामूही के साथ धूमधाम से होगा। मैं और तुम्हारे चाचा दोनों साथ हैं बहू,
ये तुम्हारे सब लक्ष्मी पाओ का प्रताप है। बेटी जीती रहे। एक ही बात खरी, जय जय राम कृष्ण हरि, जय जय राम कृष्ण हरि। ओए ठाकुर द्वारकानाथ जी, उठाई अब डेरा डंडा, चलिए अपने धाम। ऐसे कैसे चल दूं, नौकर हूँ, सिर से छुट्टी तो ले लूं। आ ठाकुर, अरे जादूगर, कहाँ है मेरा शेर बबर? सोया हुआ है। अरे उठ मेरे शेर बबर। भैया, अरे वाह रे जादूगर, अरे वाह रे जादूगर, अरे वाह मेरे शेर बबर, अरे वाह रे जादूगर, अरे वाह मेरे शेर बबर। तू निकला गुरुओं का गुरु, अरे तू निकला गुरुओं का गुरु, तेरा जवाब नहीं रे दिल बर। अरे वाह रे जादूगर, अरे वाह मेरे शेर बबर, अरे वाह रे जादूगर। चुपके देकर झांसा, खूब मुझे तूने रे फांसा। चुपके चुपके देकर झांसा, खूब मुझे तूने रे फांसा। ओए लाला, ओए लाला, सीखा है कहां से ये जंतर मंतर? अरे वाह रे जादूगर, अरे वाह मेरे शेर बबर, अरे वाह रे जादूगर। खाके रोटी रूखी सूखी, रखे अपनी अंतड़िया भूखी। खाके रोटी रूखी सूखी, रखे अपनी अंतड़िया भूखी। मुझको धन्ना सेठ बनाया, मुझको धन्ना सेठ बनाया, खुद बनकर नौकर। अरे वाह रे जादूगर, अरे वाह मेरे शेर बबर, अरे वाह रे जादूगर। था तू मुझे गड़बड़िया, काम किया पर तूने बढ़िया। लगता था तू मुझे गड़बड़िया, काम किया पर तूने बढ़िया। ओए ठाकुर, ओए ठाकुर, एहसान तेरा भूलूंगा न जीवन भर। अरे वाह रे जादूगर, अरे वाह मेरे शेर बबर, अरे वाह रे जादूगर, अरे वाह मेरे शेर बबर। तू निकला गुरुओं का गुरु, तू निकला गुरुओं का गुरु, तेरा जवाब नहीं रे दिल बर। अरे वाह रे जादूगर, अरे वाह मेरे शेर बबर, अरे वाह रे जादूगर। ओए ठाकुर, कमली कहाँ है? वो तो डर के मारे चली गई। डर के मारे? हाँ, कहीं लाली के साथ साथ उसका भी ब्याह ना करा दो। वो चाहती है उसके ब्याह का बाजा उसके गांव में बजे। कौन सा गांव है उसका?
द्वारका पुरी। वे 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 वे। तो तेरे गांव की है तभी अक्कड़ती थी। अरे ले खा के तू भी जा। जाऊं? पहले खा तो ले। वही खा लूंगा उसके साथ। चंगा चंगा लाली के ब्याह पर कमली को लेके आ जा और कहना डरे नहीं उसका ब्याह यहाँ नहीं करूंगा। और हाँ तेरे गांव में कोई नाच मंडली हो उसे भी लेके आ जा। हाँ, ले आऊंगा ले आऊंगा। पर ब्याह पर मुझे ठाकुर बाकुर मत बोलना। नहीं रे द्वारका नाथ रहूंगा। पर तू जाएगा कैसे? पाँव पाँव चला जाऊंगा। वो चला नहीं जाएगा थक जाएगा। चलने में तुमसे आगे रहूंगा भैया। द्वारकापुरी का हूँ। हाँ ओए देखो तो चल चलो चल आ आगे आ। मार गया मार गया। चला जा। Thank you.
सोच में है लाली के ब्याह में हमें अपने गांव की नाच मंडली भी ले जाना है ना। सोच रहा हूँ हमारे इस गांव में हम दोनों के सिवाय और कौन है। संसार को नचाने वाले आप स्वयं नाचे, शिव पार्वती ब्रह्म ब्रह्माणी इंद्र इंद्राणी सभी देवी देवताओं को निमंत्रण भेज दीजिए। देहाती बनकर नाचने में बड़ा आनंद आएगा। हाँ साथ साथ ये भी लिख दीजिए कि सभी अभ्यास करके आए, कहीं ठाकुर द्वारका नाथ जी की नाक न कट जाए। विष्णु जी का निमंत्रण टाल नहीं सकते। तो बने देहाती नचनिया हैं? लगती हो पर्वतिया। सर्जनहार को पालनहार का साथ देना ही होगा। हाँ। लगता हूँ ना खिलौने वाला दादा। हाँ देखा देवराज, भक्त के लिए भगवान क्या नहीं करते। भगवान के लिए आप भी कुछ कर दिखाइए। लगते हैं गांव के मुखिया। और तो गांव की गोरी। हाँ अब जमेगी था मचेगी तुम रहेगी ना बिना दिन तक। नाचो नाचो है सुंदर बाला, नाचो नाचो मुचंदर लाला। हो नाचो नाचो है सुंदर बाला, नाचो नाचो मुचंदर लाला। नचा चा नाच नचाने वाला, नचा चा नाच नचाने वाला। अरे दुनिया हमारी तुम्हारी, नचा नाच नचाने वाला। ओ जरा जम
यहाँ वहाँ जहाँ तहाँ समझते हो? जो चुपता हो जाने के बाद भी मुझे बटवा देते हो?
चुकता किसने किया? तुम्हारे नौकर द्वारकानाथ ने। द्वारकानाथ ने? हाँ हाँ द्वारकानाथ ने। अरे भाई धन्ना जाट कहाँ जा रहे हो? सेठ हरिदास जी तुम्हारे पास जा रहा था, ये लो भरपाई कर लो। मैं ब्याज ब्याज नहीं करता। हाँ ब्याज खाने वाले को कौड़ी कौड़ी फूट कर निकलती है। ब्याज नहीं सेठ मूलधन। तो कब का द्वारकानाथ चुका गया? द्वारकानाथ कहाँ से चुका? ये तो उसी से जाकर पूछ लो। अरे लौटा क्यों लाया? व्यापारियों का चुकता नहीं किया? नहीं मैं द्वारकापुरी जा रहा हूँ। द्वारकापुरी? हाँ ठाकुर द्वारकापुरी का है ना, उससे जाकर पूछूंगा कि व्यापारियों का उधार कहाँ से चुकाया। अरे पर तू द्वारकापुरी जाएगा कैसे? धन्ने द्वारकापुरी कोस दो कोस नहीं, दो चार घर का टोला नहीं, बड़ी नगरी है, बड़ी दूर है। दूर हो या कुछ भी हो मैं तो जाऊँगा द्वारकानाथ से पूछूंगा तो उसने मेरे लिए चोरी तो नहीं की। रास्ता भी तो नहीं जानते, जाओगे कैसे? पूछ पूछ के मत जा धन्ने। धन्ने मान जा बेटे मान जा वखड़ जंतर। कभी कभी ऐसी लीला करता भगवान रे, समझ न पाता इंसान रे, समझ न पाता इंसान रे। देख देख नाटक हरि का दंग है जहान रे, समझ न पाता इंसान रे, समझ न पाता इंसान रे। प्रभु जी की मर्जी तो है ऐसी पहे ए भाई द्वारकापुरी यही है ना? हाँ हाँ द्वारकानाथ कहाँ है? आगे आगे। जगदीश्वर के माथे से रक्त। धन्ना जाट द्वारकानाथ। अरे खड़ो यहां से द्वारकानाथ। ठाकुर द्वारकानाथ। ए माई तू द्वारकानाथ को जानती है? ये तेरे सिर पे लहू। अच्छा बेटे आजा 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 बैठ जा बैठ जा, ले पानी पी ले। मुझे द्वारकानाथ से मिलना है माई। हंसती क्यों है? ठाकुर के हाथ में चुटिया आई, लुटिया डूबी, कुटिया से भी गई। क्या बड़बड़ाती है? कान पड़ पड़ाती हूँ बेटे। हाँ
ठाकुर पहले जी भर के अंगूठा चुमवाता है, फिर ऐसा अंगूठा दिखाता है कि जन्म भर अपनी अंगुली काटते रहो। क्यों उस चलिए के पीछे जीवन गवाता है बेटे? द्वारका नाथ के लिए प्राण भी दे सकता हूँ माई, जल्दी बताओ उसका घर। घर 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 उसका घर, हाँ जम गया वहाँ बसेरा, रम गया वहाँ सवेरा, वो रहा उसका डेरा। वो जाने वाला? अच्छा अच्छा। द्वारका नाथ, ओ द्वारका नाथ, द्वारका नाथ, द्वारका नाथ, ठाकुर, ओ ठाकुर, ठाकुर, द्वारका नाथ, ठाकुर, ओ ठाकुर, ठाकुर, ओ ठाकुर, मैं यहाँ हूँ धन्ना सेठ। यही कहा? यहाँ द्वारका में इसी रूप में रहता हूँ। मेरे ठाकुर द्वारका नाथ। ओ ठाकुर, तू पूरा जादूगर है, पत्थर से मूरत बन गया, सूरत बदल ली, ऐसा क्यों ठाकुर? तूने साहूकारों का चुकता कर दिया, क्या मेरे लिए चोरी की? डाका डाला जो मूछ पा रहा है। ये तो भूल गया कि तू लजीला है। अब तो बता ठाकुर, तेरे पास तो कुछ था नहीं, फिर कहां से चुकाया? मैं किसी से नहीं कहूंगा, तेरी सौगंध, सच बता। धन देना कमली का काम है। कमली का? वो कहां से लाई जो आप ही हाथ झटकती भटकती थी? अभी उससे पूछेंगे, बता कमली का घर। चल। मैं चल नहीं सकता भैया। वह वही हुआ ना, मैंने तभी कहा था तुझसे चला नहीं जाएगा, बैठ गया ना थक के। अच्छा हाँ, तुझे कंधे पर बैठा के ले चलता हूँ, चल बैठ। नहीं चलना चाहता तो मैं भी नहीं मानूंगा, ठेस जाट हूँ, यही सिर पटक पटक के मर जाऊंगा, पर तुझे छोड़ के नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा। कौन है भीतर? किसने बंद किया है? बाहर आओ, दर्शन का समय है। जय भी। यहां कैसे आ गया? मैं तो द्वारकापुरी में था, ठाकुर के घर। ये कैसा जादू है? हैं? ओए ठाकुर, तू फिर पत्थर बन गया, अब मेरा काम नहीं करेगा, मुझसे रूठ गया है। ओए तस्कर त्रिलोचन, अब बता कहां गया वो तेरा मोही मंत्र? प्रेमलता तो किसी दूसरे के गले से लिपट गई। अरे सत्यानाश हो तेरा मुंह पिसाच, ठाकुर की झूठी दुहाई दे रहा कि मेरा बच्चा भी खा लिया, लाए ना, ना मेरा बच्चा मिल गई। अरे कच्चा पक्का खिलाकर बच्चे को तूने ही मार डाला होगा और गले पड़ती है मेरे। गला छुड़वाएगा पलटू पंडित, तूने मुझे भी कहा था ठाकुर को प्रसन्न कर, तो 4-6 महीने में बहू के पांव भारी देखेगी। अरे मुए सगरे, बहू का तो जीना भारी हो गया। पांच की कोख नहीं खोलते फिरते ठाकुर। अरे आग लगे तेरा मुंह का, मुंह झूठे पे भरता हुआ माल निकाल पंडित, नहीं तो भी तेरा तुम मरने का था। मेरा भी रख दे ढोंगी। ला मेरा भी दे झूठा कन्या। मुझे मारोगे तो मेरे ठाकुर एक एक से गिन गिन के बदला लेंगे, धर्म की बात है। अरे ठाकुर है कहाँ तेरे पास? तूने तो धन्ना काका को दे दिया, तब से तेरी बात भी चली गई पंडित। धन्ना ने पत्थर लेकर कौन सा पहाड़ उलट दिया? खेती कटने से पहले ही लाली के ब्याह का खर्चा क्या तेरे पितरों ने आके चुकाया? चुकाया होगा, धन्ना ने उधार उधार लेकर और नाम लेता ठाकुर का ठोकर। उधार लिया होता तो ठाकुर के पीछे भागा भागा धन्ना द्वारकापुरी नहीं गया होता। उस कुएं के मेढक धन्ने को पूरा पश्चिम का पता नहीं और जाएगा वो द्वारकापुरी।
आ गया, धन्ना द्वारकापुरी से आ गया। ठाकुर कुछ बातें कर रहा है। अरे धन्ना क्या ठाकुर से बातें करेगा, ठाकुर तो मेरे पास है। धन्ना झूठा है। झूठा तू है, लबार है, स्वार्थी है त्रिलोचन। तूने लालच में गाय लेके ठाकुर को बेचा है। चुप रे मुंह, चुप क्यों रहे? हो जाए सच्चे और झूठे की फर्क। ठाकुर तेरे पास है कि धन्ना काका के? कुछ बोल ठाकुर, बोलता क्यों नहीं, कुछ तो बता। जग में एक ही बात खरी, जय जय राम कृष्ण हरी, जय जय राम कृष्ण हरी। कमली, ओ कमली, देख तो द्वारकानाथ फिर पत्थर बन गया। ये तो जब जो चाहे बन जाए। ये शालिग्राम भगवान है, पत्थर नहीं। भगवान? कौन भगवान? जिन्होंने बिना खंभा आकाश खड़ा किया है, हवा में धरती टिकाई है, सारा संसार जिनका ध्यान करके नाम जप के भव सागर पार करता है, वही जीवन मरण के दाता, सर्वव्यापी सर्वशक्तिमान भगवान विष्णु। भगवान विष्णु अपना ठाकुर? हाँ धन्ने, जिन्हें तुम ठाकुर नाम का किसान समझते रहे, जादूगर मानते रहे, जो तुम्हारी नौकरी करते रहे, वे भगवान विष्णु ही है, वे ही रामकृष्ण हरि भी है। सोचो तो, जो काम कभी किसी से नहीं हुआ, वो रातों रात भगवान के सिवा कौन कर सकता है? वही वही वही, ये तो सोचा ही नहीं। भगवान की इच्छा बिना ना उनके बारे में कोई सोच ही सकता, ना उन्हें समझ सकता। धन्ने, मैं तो गंवार जाट हूँ कमली, तेरी लटपट बातें मेरी समझ में नहीं आती। मैं तो उतना ही समझता हूँ जितना देखता। तो देखो, मन की आंखें खोल के देखो, परखो भगवान शालिग्राम को। यही परम पावन भगवान विष्णु है धन्ने, यही मनुष्य पशु पंछी जीव जंतु सब का पालन करते हैं। ये सब के हैं, सर्वत्र हैं, एक में अनेक हैं। एक में अनेक कैसे? यही रामायण के मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम है। इन्होंने भाई भाई के प्रेम का सच्चा रूप दिखाया। अग्नि परीक्षा में पवित्र निकलने पर भी अपनी पत्नी सीता जी का त्याग करके लोक सत्ता नारी समाज की मर्यादा बढ़ाई। राम राज में बाघ और बकरी ने एक घाट पानी पिया। पर द्वारकानाथ? वे भी यही है धन्ने, महाभारत के भगवान श्री कृष्ण। व्रत छोड़कर द्वारकापुरी जा बसे, तब से द्वारकानाथ कहलाए। इन्होंने पापियों को मारकर धरती का उद्धार किया, संसार को राधा जी के द्वारा पवित्र प्रेम का पाठ सिखलाया। गीता द्वारा ज्ञान देकर कर्म योगेश्वर ने कर्म को पहला स्थान दिया। ठाकुर का अर्थ है भगवान, इसलिए द्वारकानाथ को लोग ठाकुर कहते हैं। अपना ठाकुर? मेरे प्रभु ठाकुर, मेरे प्रभु, मेरे प्रभु, जय जय राम कृष्ण हरि, जय जय राम कृष्ण हरि। धन्ने, मेरे दिए हुए पत्थर को मेरे ही रास्ते का रोड़ा बनाने चला है। पंडित मेरे ठाकुर को ठोकर मारता है। गांव वालों की आंखों में धूल मत झोंक धन्ने, तुझसे पिंड छुड़ाने के लिए मिट्टी कूटने का पत्थर मैंने दिया था। पर मैंने तो किसी में पालनहार विष्णु
मर्यादा पुरुषोत्तम राम और कर्म जुएश्वर भगवान श्री कृष्ण के दर्शन किए हैं पंडित, ये पत्थर नहीं भगवान शालिग्राम है। झूठ, सरासर झूठ, भगवान शालिग्राम मेरे घर में है, ये पत्थर है, केवल पत्थर। पंडित, भगवान के बारे में अंत शंट बोला तो तेरी खोपड़ी का खंड खंड कर दूंगा। मेरी बिल्ली उसी में, ए, इस पत्थर में तेरे भगवान है तो गाँव वालों के सामने प्रमाण दे, नहीं तो फेंक दे इस पत्थर को। बराबर है धन्ने, प्रमाण बिना माने कैसे, तेरा ठाकुर सच्चा है तो छोड़ दे तलाव में। डूब गया तो झूठा नहीं तो सच्चा। ओ धन्ना काका ही क्यों, पंडित भी अपना ठाकुर छोड़े तालाब में। पंडित, अच्छा अभी ले आता हूँ, अभी ले आता हूँ, धर्म की बात है। भज गोविंदम, भज गोविंदम, भज गोविंदम। सुने धन्ने को पत्थर में भगवान के दर्शन हुए, तुमको हुए, तुमको, तुमको, तुमको दर्शन हुए, तो फिर किसने देखा? कौन जानता धन्ना सच बोल रहा है या झूठ, धर्म की बात है। धन्ना कभी झूठ नहीं बोलता पंडित। कौन जाने पंडित, तूने पत्थर देकर धन्ना की खिल्ली उड़ाई है, अब वही पत्थर तेरी खिल्ली उड़ाता हो। उस पत्थर को गोल करके खट्टा ही मिटा दो। सुनो, पालकी, पालकी, पालकी और कालू का पंडा पत्थर की अदला बदली। जय हो, जय हो, जय हो, जय हो, जय हो। धन्ना, भगवान की यात्रा तो पालकी में निकलती है, तू भी पधरा दे भगवान को इस पालकी में। हाँ धन्ना, भगवान को बड़े प्रेम से ले चलेंगे। हाँ हाँ, पधरा दो। भगवान प्यारे, भगवान प्यारे, अपने भक्त की लाज बचाना रे, आज अपने भक्त की लाज बचाना रे। हो मेरा किनारे जहाज लगाना रे, भगवान प्यारे। जय राम कृष्ण, जय हरि हरि, हरि हरि जय राम कृष्ण, जय हरि हरि, हरि हरि। करने चली है दुरंगी दुनिया, कसौटी मेरी करने चली है दुरंगी दुनिया, आज कसौटी मेरी मेरे बहाने असल में हो रही, प्रभु परीक्षा तेरी, प्रभु परीक्षा तेरी। ओ कपटी दुनिया पे गाज गिराना रे, भगवान प्यारे। जय राम कृष्ण, जय हरि हरि, हरि हरि जय राम कृष्ण, जय हरि हरि, हरि हरि। भरोसे दांव लगाया, खेली मैंने बाजी, तेरे भरोसे दांव लगाया, खेली मैंने बाजी। अपने दास पे कृपा करना, मत रखना नाराजी, मत रखना नाराजी। हो अपना प्यार न आज भुलाना रे,
भगवान प्यारे अपने भगत की लाज बचाना रे, आज अपने भगत की लाज बचाना रे, भगवान प्यारे। कृष्ण जय हरि हरि, हरि हरि जय राम, कृष्ण जय हरि हरि। जब जब भक्तों पे भीड़ पड़ी हरि हरि, तब तब तूने ही पीर हरि हरि हरि, तारे अजामिल और शबरी हरि 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 हरि, संकट में सबकी मदद करी राम कृष्ण जय हरि हरि, राम कृष्ण जय हरि हरि, राम कृष्ण जय हरि हरि, राम कृष्ण जय हरि हरि। भगवान प्यारे भगवान प्यारे, राम कृष्ण जय हरि हरि, राम कृष्ण जय हरि भगवान प्यारे। जय जय राम कृष्ण हरि। अरे धन्य को बचाओ, धन्य को बचाओ, हाँ डूब गया, 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 माता धन्ना भी डूब गया। धन्ना झूठा, मैंने तो पहले ही कहा था ये शालिग्राम नहीं पत्थर है, पत्थर। हनुमान जी से कम भगत नहीं है, हनुमान जी ने राम के नाम से पत्थर तैरा दिए थे, मेरे धन्ने ने ठाकुर के नाम से तैरा दिया, मिटा दिया बखड़ चंतर। पंडित अब तू अपना ठाकुर छोड़। छोड़ता हूँ, छोड़ता हूँ, धर्म की बात। भज गोविंदम, भज गोविंदम, भज गोविंदम, भज गोविंदम। पंडित तू भी डूब कर अपना शालिग्राम ला जा। नहीं जाता, ये झूठा है, ढोंगी है, ठगला है, इसे फेंक दो तलाब में। बजा। मर गया, ओ मर गया, बचा। पंडित की चुड़िया, छोड़ दो तेल की शांत। ना पंडित पत्थर देते, ना मुझ जैसे जजाड़ को भगवान का ज्ञान होता। मेरे लिए पंडित जी को क्षमा करो, क्षमा करो भाई, क्षमा करो। बचाओ, बचाओ, मुझे बचाओ, धन्ना भगत, बचाओ।
तन्ना भगत मुझे बचाओ, मैंने पत्थर बदल कर तुझे जूठा बनाना चाहा, मुझे अपनी करनी का फल मिल गया, मुझ पर दया करो तन्ना भगत, दया करो दया करो। भगवान पत्थर पत्थर में, पत्ते पत्ते में, कण कण में विराजमान है कालू, उन्हें ईर्ष्या द्वेष और कपट से नहीं, श्रद्धा विश्वास और प्रेम से जहां देखो वहीं पा सकते हो। वे एक जगह नहीं, एक के नहीं, सब जगह हैं, सब के हैं। धन्ना भगत, इस अधम को क्षमा कर दो, मैंने तुम्हारे साथ ही नहीं भगवान के साथ भी छल किया, मेरी कुटिलता ने मेरा सिर नीचा कर दिया, दया करो क्षमा कर दो भगत। मैं भगत कैसा भाई, ना भक्ति जानू ना पूजा, मैं तो ठेठ मूर्ख। मूर्ख तुम नहीं हम हैं, जो तुम्हें पागल समझते रहे, तुमने तो मिट्टी कूटने वाले पत्थर में भगवान पा लिया, तुम धन हो भगत, तुम धन। मैं अपराधी हूँ प्रभु, प्रभु प्रभु, मैंने आपका घोर अपराध किया, आपको बैल के साथ जोत के पुरवट चलवाया, हल खिंचवाया, रूखी सूखी खिला के कुछ किसान का काम करवाया, मैं पापी हूँ, मुझे इन पापों का दंड दीजिए प्रभु, दंड दीजिए। अन्ने पश्चाताप ना, तुमने कोई अपराध ना, कोई पाप नहीं, मैं ही तुम्हारे विश्वास और भोलेपन से विवश होकर किसान बना, किसान और भगवान में कोई भेद नहीं, किसान धरती में बीज बोता है और संसार जिसे भगवान कहता है वही फल देता है, किसान के साथ परिश्रम है और जहां परिश्रम है वही भगवान है। प्रभु द्वारकानाथ, इस जड़ जात को आपका ज्ञान कराने वाली वो कमली कौन थी, कहां गई थी? जग में एक ही बात हरी, जय जय राम कृष्ण हरि। राधे प्रभु, मुरली मनोहर। द्वारकानाथ की जय, कृष्ण की जय।